क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास इन फिगर 6.29 इफ ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ एंड वाई रेशियो जेड इक्वल टू 3:7। ये हमारे पास दिया हुआ है कि जो ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ है, और ये एक्स और वाई दिया हुआ है, जेड दिया हुआ है हमारे पास। ये वाई रेशियो जेड इक्वल टू 3:7 दिया हुआ है, हमें फाइंड करना है एक्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमें? एक्स फाइंड करने हैं। तो जो हमारे पास इसका सोल्यूशन होगा वो इस तरीके से होगा। हमारे पास गिवन में क्या दिया हुआ है? ए बी पैरेलल टू सी डी है एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ है, और गिवन में हमें दिया हुआ है कि वाई रेशियो जेड इक्वल टू क्या 3:7 है। फाइंड हमें ये करना है और कुछ हमारे फिगर में दिया हुआ है। तो इसकी सहायता से हम क्या, इसकी हेल्प से हम क्या फाइंड करेंगे? एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम लिखेंगे इट इज़ गिवन डैट ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ। Therefore, AB parallel to क्या हो जाएगा? CD parallel to EF हो जाएगा। इसके लिए हम रीजन लिखेंगे lines parallel to same line R parallel to each other। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? X हमने AB parallel CD parallel to EF है हमें दिया हुआ है। किस वजह parallel है? ये lines parallel to same line R parallel to each other। जब ये ए बी सी डी के पैरेलल है, सी डी ई एफ के पैरेलल है, तो ए बी ई एफ के भी तो पैरेलल होगा ना। ये हमें प्रूफ स्टेटमेंट के द्वारा हमने बता दिया कि भाई किस तरह से पैरेलल होगा। यहाँ पर हमने देखा कि जो एक्स और जेड होगा एक दूसरे क्या होगा? इक्वल होगा, बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के द्वारा एक्स और जेड क्या होगा? इक्वल होगा। तो हम लिखेंगे एक्स इक्वल टू जेड, क्या लिखेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये दिया हुआ हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के द्वारा, और हमें गिवन में क्या दिया हुआ है? गिवन में हमें दिया हुआ है कि वाई रेशियो जेड क्या दिया हुआ? 3:7 दिया हुआ है। वाई रेशियो जेड इक्वल टू क्या दिया हुआ? 3:7। तो हम मान कर चलेंगे लेट दी कॉमन रेशियो बिटवीन वाई एंड जेड बी ए। हमने ए मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा? वाई इक्वल टू में 3a एंड जेड इक्वल टू में 7a। क्या हो जाएगा? 7a हो जाएगा। तो हमें पता है जो ये क्या है, ये जो है कोइंटीरियर एंगल है x और y क्या है? कोइंटीरियर एंगल है। x प्लस y क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। लिखेंगे x प्लस y इक्वल टू में 180 डिग्री। क्यों भाई? क्योंकि कोइंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, ट्रांसवर्सल हो गया। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री आ गया हमारे पास। तो हमने ऊपर ये प्रूफ किया था, तो एक्स इक्वल टू जेड है बिकॉज क्यों है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के द्वारा। तो हम क्या कर सकते हैं? एक्स की जगह जेड लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे
जेड प्लस वाई इक्वल टू में 180 डिग्री, ये हमने लिख दिया जेड प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमारे पास जेड की वैल्यू क्या है, जेड की वैल्यू 7a है, वाई की वैल्यू क्या है 3a है, तो हम लिखेंगे 7a प्लस 3a इक्वल टू में 180 डिग्री। तो ये क्या हो गया 10a हो गया इक्वल टू में 180 डिग्री। तो a की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 18 डिग्री, ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास क्या आ गई a की वैल्यू आ गई। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, x इक्वल टू क्या हमारे पास 7a है, क्योंकि z क्या है, z भी तो इसके इक्वल है ना, z हमने क्या कर रखा था इसके इक्वल बना दिया था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के द्वारा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x इक्वल टू 7a इक्वल टू z, तो x की वैल्यू आ जाएगी 7a इक्वल टू में 7 इंटू में 18 इक्वल टू में 126, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 126 आंसर आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो कंप्लीट हो गया 6.2 का।